nothing more refreshing than pure Alaskan air. It is quite soothing. Couldn't agree with you more. Dad, look! It's Kuma! No, no, son. That's not Kuma. You see, that's just a wild grizzly bear. Huh? Forrest? Kuma? Don't bring him this way! पॉल एंड मार्शल लॉ की फ्रेंडशिप कहां तक जाएगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन दोनों की फ्रेंडशिप कहां से स्टार्ट हुई ये मुझे ज़रूर पता है। तो पॉल फिनिक्स और मार्शल लॉ दोनों ही बहुत अच्छे काबिल फाइटर हैं, लेकिन दोनों के फाइट करने का मकसद एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। जहां लॉ अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए फ़ाइट करता है, वहीं दूसरी तरफ पॉल सभी टफ फाइटर्स को हरा के ये प्रूव करना चाहता है कि वो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट फाइटर है। पॉल और मार्शल लॉ इन दोनों ने ही एक साथ ही ट्रेनिंग ली है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड भी बने। पॉल स्ट्रीट फाइटिंग करके अपना गुजारा करता था, वहीं लॉ को बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए एक डोजो खोलना था। और एक दिन उसने किंग ऑफ फायर एंड फर्स्ट टूर्नामेंट के बारे में सुना एंड इस टूर्नामेंट के विनर को ह्यूज प्राइस मनी एज अवार्ड मिलेगी। लॉ को ये अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी लगती है, इसीलिए वो और उसके साथ साथ पॉल भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। पॉल का इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का रियल रीजन ये था कि वो कजुया मिशिमा को हरा के ये प्रूव करना चाहता था कि वो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट फाइटर है, क्योंकि कुछ टाइम पहले पॉल और कजुया ने एक दूसरे के खिलाफ ड्रॉ मैच खेला था, इसीलिए पॉल अब उस मैच का एंड करना चाहता था। मगर इस टूर्नामेंट में पॉल और कजुया का आमना सामना नहीं हो पाता। वहीं लॉ जो कि इस टूर्नामेंट को जीतने के काफी नजदीक था, मगर उसका एक मैच वैंग के साथ ड्रॉ हो जाता है, इसीलिए वो इस टूर्नामेंट को नहीं जीत पाता। बट फिर भी वो अपना डोजो ओपन करने में सक्सेसफुल हो जाता है, मगर अनफॉर्चुनेटली मार्शल लॉ के डोजो के स्टूडेंट पर बेग के द्वारा अटैक कर दिया जाता है। और ये सब होने से लॉ के अंदर बदला लेने की आग दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वाह, शेर दिल मर्द है लॉल। और इसीलिए लॉ किंग ऑफ फायर एंड फर्स्ट टूर्नामेंट 2 में पार्टिसिपेट करता है, जो कि पिछले टूर्नामेंट के 2 साल बाद हो रहा था। बाद में लॉ को पता चलता है कि पॉल ने भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है, बिकॉज वही उसकी पुरानी धुन, प्रूव करना है कि वो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट फाइटर है। वैसे सही भी है, बट पॉल इस टूर्नामेंट को नहीं जीत पाता। वहीं दूसरी तरफ लॉ बेग को सक्सेसफुली डिफीट कर देता है, और लॉ अब अपने डोजो के साथ एक रेस्टोरेंट भी रन करने लगता है, जिसका नाम वो मार्शल चाइना रखता है। लेकिन इसी बीच लॉ को ये पता चलता है कि उसके बेटे ने उसकी परमिशन के बिना किंग ऑफ फायर एंड फर्स्ट टूर्नामेंट 3 में पार्टिसिपेट किया है। बाद में उसको एक्चुअल रीजन का पता चलता है कि पॉल ने फॉरेस्ट लॉ को लेकिन 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज किया, और इसीलिए पॉल और मार्शल लॉ का झगड़ा भी हो जाता है। मगर वो दोनों फिर से बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं। लेकिन 3 में पॉल अनबीटेबल साबित होता है, और वो ओगर की फर्स्ट फॉर्म को भी हरा देता है एंड खुद को इस टूर्नामेंट का विनर समझकर टूर्नामेंट से आउट हो जाता है। लेकिन ओगर की सेकंड फॉर्म को ना जानने से पॉल इस बार भी टूर्नामेंट को नहीं जीत पाता। वहीं दूसरी तरफ मार्शल लॉ अब एक वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया था, बट अनफॉर्चुनेटली लॉ एक फाइटर से फाइट में डिफीट हो जाता है, इसलिए उसका डोजो और रेस्टोरेंट फिर से घाटे में आ जाता है। और कुछ ही टाइम बाद लॉ को किंग ऑफ फायर एंड फर्स्ट टूर्नामेंट 2 के बारे में भी पता चलता है, और इसीलिए अपने बिजनेस को रिडीम करने के लिए लॉ इस बार भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है। वहीं पॉल फिनिक्स भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है। क्यों? क्योंकि प्रूव करना चाहता है कि वो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट फाइटर है, जो कि पहले बेचारा नहीं कर पाया था, इसीलिए करने दो यार लॉल। लेकिन लॉ और पॉल दोनों के लिए ही ये टूर्नामेंट बहुत बेकार साबित होता है, क्योंकि पॉल इस बार कुमा नाम के एक एनिमल से डिफीट हो जाता है, और लॉ भी इस टूर्नामेंट को नहीं जीत पाता। और टेकन 5 के इवेंट के दौरान मार्शल लॉ, जो कि जापान में एक डिशवॉशर की नौकरी कर रहा होता है, बट लॉ की वाइफ उसे कॉल करके इन्फॉर्म करती है कि फॉरेस्ट का बाइक एक्सीडेंट हो गया है एंड वो बाइक पॉल की थी, एंड इसीलिए लॉ टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है ताकि वो फॉरेस्ट के मेडिकल बिल्स का अरेंजमेंट कर सके। बट टूर्नामेंट के बीच में ही लॉ को हटा दिया जाता है, बिकॉज लॉ जापान में लीगल वर्क कर रहा था।
मगर पाउल तो इस टूर्नामेंट में पहले से ही इन था और इस बार पाउल कुमा को भी डिफीट कर देता है जिसने पाउल को लास्ट टूर्नामेंट में हराया था। वहीं अब मार्शल लॉ बिल्कुल ही होपलेस फील कर रहा था और इसीलिए पाउल लॉ को अप्रोच करता है कि वो टीम अप करें एंड वो स्टीव फॉक्स को भी इस टीम में ऐड करते हैं। पाउल लॉ और स्टीव टेकन 6 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं बट वो टॉप प्राइज नहीं जीत पाते और अब लॉ किंग ऑफ आयरन फर्स्ट टूर्नामेंट 7 में भी पार्टिसिपेट करता है ताकि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए। एंड लॉ के स्टूडेंट उसके डोजो को छोड़कर जा रहे थे, इसीलिए लॉ को अपने डोजो को चलाने के लिए एक नए मास्टर की भी नीड थी जिसको वो पाउल के साथ इस टूर्नामेंट में फाइंड करने के लिए आया था। ऑलराइट गाइस, टेकन 1 से लेकर टेकन 7 तक की पाउल एंड लॉ की स्टोरी यहीं फिनिश होती है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करो एंड शेयर भी कर ही दो। सो आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर एंड गुड बाय।